हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूँ श्रुति और आप हमारे साथ अमेरिका में हमारे होम कंस्ट्रक्शन की इस स्टार्ट टू फिनिश जर्नी में। पहले की वीडियोस में अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन साइट पे। हम यूजुअली एवरी संडे ही जा पाते हैं। प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची हम आपसे वो शेयर करेंगे। लास्ट वीक जब हम गए थे तब तक बेसमेंट का काफ़ी काम हो चुका था। मिलते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट के इस विजिट में हमें मिला सरप्राइज। हम मिले अपने न्यू नेबर से और कैसा रहा हमारा इंटरेक्शन, कैसी वाइब्स आई, इंडियन नेबर है या अमेरिकन या किसी दूसरे कंट्री को बिलोंग करता है। घर का जो फाउंडेशन वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, वुडन फ्रेमिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वक्त हम हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन साइट पर। जब हमारे पास लास्ट अपडेट आया था कंस्ट्रक्शन मैनेजर का, वो ये कि इस हफ्ते वो जो मेटल बीम है उनका काम होगा और साथ ही साथ जो सुअर पाइपलाइंस हैं उनका काम होगा। तो देखते हैं पूरे हफ्ते उन्होंने कितना काम किया है। ये बेसमेंट देख सकते हो आप, एक ब्लैक कलर का बॉक्स है और दो पाइपलाइंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं 1.5 फीट की। मीन्स उन्होंने सुअर पाइपलाइन का जितना काम फिलहाल के लिए होना था वो कर दिया है। इस पूरे एक हफ्ते में जो काम हुआ है वो हालांकि इतना विजिबल नहीं है एक्सेप्ट दीज मेटल बीम्स। और ये जो देखिए, ये जो दो बीम हैं बड़े साइज़ के, इनको सपोर्ट दिया गया है मेटल रॉड्स का, लेकिन जो यहाँ है इस साइड जो ये जो हमारा मॉर्निंग रूम है इसका जो ये बेसमेंट एरिया है वहाँ पे ये जो मेटल बीम है इसको किसी भी तरह के किसी रॉड का सपोर्ट नहीं दिया गया है। ये हमारा ड्राइववे है, इसमें सिर्फ अभी ये ग्रेवल पड़ा हुआ है, इसको सबसे लास्ट में वो कंप्लीट करेंगे। वहाँ सामने खड़ी है हमारी कार। हमारी कार के जो पीछे वाला घर है ये अभी बायर्स के लिए अवेलेबल है। जो साइड वाला ब्लू घर है ये बिक चुका है। दोनों ही घरों का इंटीरियर ऑलमोस्ट फिनिश है, लेकिन एक्सटीरियर में इनका अब देखो अभी ड्राइववे कंप्लीट होना है, अभी जो लॉन एरिया है इनका उसमें भी अभी ग्रास वगैरह लगनी है, काफ़ी काम है बाहर अभी होने को। आमने सामने के घर और आजू बाजू के जो घर हैं उनका एक जैसा मॉडल आप नहीं बना सकते हो, डिफरेंट होना चाहिए। आज की विजिट का सरप्राइजिंग एलिमेंट था हमारा अपने न्यू वाइट नेबर से मिलना। जिस गर्म जोशी से वो मिलने के लिए आए अपना सारा काम छोड़ के और 30 मिनट ऑलमोस्ट हमारे साथ स्पेंड किया। हमें हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने शेयर किया कि वो पूरा जो स्टेप बाय स्टेप है हमारे घर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। क्योंकि मैं और बेबी दोनों कार में थे, बेबी सो रही थी, तो हमसे मिलने वहाँ तक पर्सनली आए और अपने बच्चों के बारे में बताया, हमारे दोनों बच्चों के बारे में, उनके बारे में जानने में इंटरेस्ट शो किया। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी और अच्छा लगा कि हमारे फ्यूचर जो नेबर हैं वो इतने पॉजिटिव हैं। ये रहा डम्पस्टर और घर के कंस्ट्रक्शन साइट पे इसको डिलीवर कर दिया जाता है। एक अकेले घर के कंस्ट्रक्शन में लगभग 2 से 3 ऐसे डम्पस्टर जो हैं वो वेस्ट के निकलते हैं। जब फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक ह्यूज साइज ट्रक में लंबर ला के कंस्ट्रक्शन साइट पे डिलीवर कर दिया जाता है। इस वक्त यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप और डिफरेंट डिज़ाइन के जो प्लैंक्स के जो स्टैक्स हैं वो रखे हुए हैं। सबका अपना अलग अलग पर्पज़ है, थिकनेस सबकी डिफरेंट है, जो भी जिस पर्पज़ से यूज़ होंगे, जो भी स्पेसिफिक घर बनता है उसके हिसाब से ये जो लंबर पैकेजेस हैं ये यूनिक रहते हैं। हर घर की अपनी रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से ये बनाए जाते हैं। ये जो यहाँ शीट्स हैं ब्लू एंड रेड, इनका कलर का स्पेसिफिक रीज़न तो मुझे नहीं पता है क्यों इनको डिफरेंट कलर दिया गया है, लेकिन इनकी थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनकी जो लेंथ है वो सेम है। ये ऑलमोस्ट जो क्वीन साइज़ का मैट्रेस होता है उसके साइज़ की ये शीट्स हैं एंड आई थिंक इनको जो फ्लोरिंग है उसमें यूज़ किया जाता है। अमेरिका में जो घर हैं वो मोस्टली वुडन के बनते हैं, हालांकि जो फाउंडेशन है, जो बेसमेंट है उसमें कंक्रीट का यूज़ होता है, लेकिन जो पूरे घर की फ्रेमिंग है वो वुडन की होती है। काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं ये घर, सालों चलते हैं। इस एक हफ्ते में काफ़ी काम हुआ है, वुडन फ्रेमिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसका जो एक्सटीरियर है और इंटीरियर है उसका जो फ्रेमिंग का काम है वो हो चुका है। चलिए एक क्लोजअप लुक लेते हैं। ये जो है ये मेन डोर है
और ये रही जो ऑफिस रूम है, ऑफिस का जो विंडो है जो पोर्च की तरफ खुलती है, ये वो है। आप देख सकती हो कि पूरे घर के अंदर ये सिर्फ लकड़ी की पट्टियों का जाल है, सीमेंट का एक सिंगल ट्रेस यूज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लकड़ी लकड़ी और लकड़ी। ये रहा हमारा फ्रंट पोर्च, अभी यहाँ पे सिर्फ ग्रेवल है। और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि घर में या तो बालकनी या पोर्च होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेले भी हैं तो शाम को सुबह दिन के किसी भी वक्त बैठ के अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेश एयर में, जो भी वेदर है, धूप है बारिश है, उसको एंजॉय कीजिए। अमेरिका में लकड़ी के घर बनाए क्यों जाते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी किसी दूसरी वीडियो में। ये है कंस्ट्रक्शन एडहेसिव, किस पर्पज से यूज हुआ आई डोंट नो। ये है इंसुलेशन शीट, इसको पूरे घर के चारों तरफ इसी तरह से लगाया जाता है, मल्टीपर्पज यूज होता है इसका, नॉइज रिड्यूस करती है, वेदर कैसा भी हो जो घर के अंदर का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने में इसका यूज होता है। घर के अंदर की दीवारों में भी इंसुलेशन की शीट्स लगाई जाती हैं। ये जो ब्लैक कलर का पेंट है, ये है टार, इसको बोलते हैं डैम प्रूफिंग, और पूरे घर के चारों तरफ इस तरह से पेंट किया जाता है, इवन बेसमेंट की दीवारों पे भी ये पेंट किया जाता है। और इसका मेन पर्पस है जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि कंक्रीट की वॉल्स काफ़ी पोरस होती हैं, तो किसी भी तरह का मॉइस्चर रोकने के लिए इनका यूज़ होता है। ये है घर की साइड वॉल, और आप मार्किंग देख सकते हो यहाँ पे फटियों की। ये जो प्लैंक है यहाँ पे, ये इनका यूज़ होता है वॉल बनाने के लिए। ये रही इस प्लैंक की थिकनेस, आई थिंक लगभग 1.5 सेंटीमीटर होगी, और ये प्लैंक्स पूरे घर में चारों तरफ इसी तरह से फिक्स करके वॉल्स बनाई जाती हैं। ये रही डिफरेंट टाइप की, ये प्लैंक्स आप देखो, इनको कहते हैं जोइस्ट, और इनका जो पर्पस है वो मोर और लेस बीम टाइप से ही है, दोनों तरफ ये फटे हैं, उनके बीच में ये एक प्लाई सी लगी हुई है। जो बेसमेंट का काम होता है, फाउंडेशन का काम होता है, उसको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और ये जो ऊपर वुडन फ्रेमिंग का काम चल रहा है बाकी सारा, इसको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। वुडन के घर कंक्रीट के घर बनाने के कंपैरिजन में काफ़ी चीप पड़ते हैं, ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका में वुडन हाउसेस ज़्यादा बनते हैं। ये देख सकते हो इस साइड से, ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पावर पोस्ट, जब घर का फ्रेमिंग का काम शुरू हो जाता है, जो भी प्लम्बर आएंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितना भी काम होगा, तो वर्कर को अपने काम के लिए जो पावर की सप्लाई चाहिए वो यहाँ से मिलती है उनको। जब हम अपना ये प्लॉट देखने आए थे और मैंने ये पावर पोस्ट यहाँ देखा था, तो मैं डर गई थी कि यार घर की बाउंड्री में इनका होना बच्चों के लिए कहीं रिस्की ना हो, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी मैनेजर थी उसने एक्सप्लेन किया कि ये हमेशा कवर्ड रहते हैं, और ओनली जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो ही इनको ओपन कर सकते हैं जब भी कुछ इशू हो उसको फिक्स करने के लिए, अदरवाइज ये बहुत सेफ हैं। ये है हमारा बैकयार्ड, और इस तरफ से हमारा घर का ये लुक। ये जो पीछे है ये है मॉर्निंग रूम, और जिसमें कि तीन साइड से विंडो हैं, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारी साउथ और नॉर्थ विंडो से पीक करता हुआ नेबर का घर, बहुत सुंदर व्यू है इस वक्त, आसमान में बादल हैं, बारिश आने को है। ये है मॉर्निंग रूम से घर के अंदर का व्यू, फ्लोरिंग पूरे फर्स्ट फ्लोर पे हो चुकी है। हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट फेसिंग है, और मेरे शुरू से प्रेफरेंस थी कि हमारा अपना जो भी घर हो वो ईस्ट फेसिंग का हो। जब हमारी अपनी प्रॉपर्टी मैनेजर से बात हुई और उसने हमसे पूछा कि हमारी डायरेक्शन को लेके कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हैं, तो मैंने एकदम से कहा कि मुझे ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, और मेरे हस्बैंड मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये कब डिस्कस हुआ, मतलब उनकी लिस्ट में तो कुछ ऐसा डायरेक्शन के लिए कोई ऐसी प्रेफरेंस थी ही नहीं, लेकिन मुझे था कि हाँ ईस्ट फेसिंग घर चाहिए। और हमारी इस कम्युनिटी में सेम इस मॉडल के लिए, जो हमारा मॉडल है, इसके लिए कोई भी प्लॉट अवेलेबल नहीं था जो कि ईस्ट फेसिंग हो, सिर्फ एक ये प्लॉट बचा हुआ था, और लकली हमें ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट था वो इस कम्युनिटी में मिल गया। जो रेड और ब्लू कलर की शीट्स थी मैट्रेस साइज की, उनका यूज़ यहाँ फर्स्ट फ्लोर की फ्लोरिंग के लिए हुआ है। आप यहाँ अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे वो जो रेड कलर है वो विजिबल है, जहाँ जहाँ पे जो प्लैंक्स हैं वो जुड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये बेसमेंट के लिए है, बेसमेंट में जो भी काम होना है, लाइक फ्लोर पोरिंग होनी है,
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जो भी कारपेंटर का काम होना है, तो वो सारा जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर यहीं से इसी ओपनिंग के थ्रू एंटर करेंगे। ये जो सामने फ्रेम देख रहे हो डोर का, यहाँ से बेसमेंट के लिए स्टेयर्स जाएंगी। वुडन का ये जो जितना भी काम हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। ये आई हमारी मैडम, और इनके इंस्पेक्शन के बिना हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो विजिट है ना, ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। हाय, तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आई बटन में है, उन्हें चेक कर लीजिएगा सो दैट कि आपका ये जो कंस्ट्रक्शन की जो पूरी जर्नी है उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाए। क्यों ना मैं वो सारा जो नॉलेज मैं अर्न कर रही हूँ वो सारा मैं आपसे शेयर करूँ, तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो में अमेरिका के कंस्ट्रक्शन का ऐसे ही कुछ ना कुछ नया जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। ग्लासेस ये लो ये लो। बेबी का साइड से वापस जाने का मन नहीं करता और इसको कार सीट में वापस बैठने के लिए कन्विंस करना, आप देख सकते हो कितनी मशक्कत चल रही है इस वक्त। बाइकर भी आ रहा है, तो देखना इधर विंडो से देखना। सामने से आ रहा है एक बाइकर और इत्तु को बाइकर से डर भी लगता है और आया इत्तु बाइकर्स को देखने के लिए एक्साइटेड भी आया रहती है। आया देखा है तो। ये रहा हमारे घर का खूबसूरत सा मॉडल हाउस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको हिट कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचे और इस पूरी जर्नी में एक सिंगल स्टेप भी आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।